हर साल की तरह दोस्तों सफर हिंदुस्तान आ पहुंचा है इंटरनेशनल काइट फेस्टिवल 2020 अहमदाबाद में जो होता है दोस्तों, और इसमें बहुत सारे जो इंटरनेशनल पतंगबाज आते हैं वो पार्टिसिपेंट करते हैं और अपनी पतंग दिखाते हैं। तो दोस्तों पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अपनी पर्सनल कार लेकर यहाँ ना आइए। पार्किंग की डिसेंट फैसिलिटी है लेकिन वहाँ तक पहुँचने में शाम को बहुत ही कठिनाई होती है। जैसे ही गेट नंबर 1 से आएंगे बहुत बड़ा स्टेज होता है जहां पे शाम को 6 बजे के बाद रंगारंग कार्यक्रम होते हैं। दोस्तों काइट फेस्टिवल 9 जनवरी से 14 जनवरी के बीच में होता है। दोस्तों बीच में जो एक जगह बनाई जाती है वहां पे आपकी काइट्स वगैरह दिखती है। दोस्तों एक सेक्शन यहां पे खाने पीने का भी होता है, अगर आप थक जाते हैं घूमते घूमते तो यहां पे 30 से 40 रुपये में एक आपको डिश कोई भी मिल जाती है खाने की। प्लस दोस्तों खाने के साथ साथ आप खरीदारी भी यहाँ पे कर सकते हैं, कुर्ती चप्पल घर को सजाने की जो आइटम्स होती है वो भी यहाँ पे आपको मिल जाती है, और बहुत 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 ब्यूटीफुल काइट्स यहाँ पे होती है। साथ में गुजरात टूरिज्म के द्वारा गुजरात का टूरिज्म भी प्रमोट किया जाता है। तो अभी आप अलग अलग देश के नेशनल फ्लैग्स देख रहे हैं, कुछ मैं आपको शॉप्स कवर करने की ट्राई कर रहा हूँ कि जिस तरह से किस तरह की खरीदारी यहाँ पे होती है। तो यहाँ पे जो लेडीज़ से रिलेटेड आइटम्स ज़्यादा होती है, जैसे आपने देखे कि जो इमिटेशन ज्वेलरी होती है वो है यहाँ पे, पर्स वगैरह है, कुर्ती है, चप्पल है। तो पूरा वीडियो ज़रूर देखिए, सिर्फ 4 मिनट में मैं आपको पूरा इंटरनेशनल काइट फेस्टिवल घुमाने वाला हूँ। और काइट्स तो आप देख ही सकते हैं, आपका दिल झूम उठेगा इन बड़ी बड़ी काइट्स को देख के। साथ में दोस्तों बता दूं वरुण धवन अपनी स्ट्रीट डांसर को यहां प्रमोट करने के लिए भी आए थे, और साथ में आई थी श्रद्धा कपूर और नूरा फतेही। और दोस्तों यहां पे एक पूरा सेक्शन बनाया गया था सरदार वल्लभ भाई पटेल के ऊपर, जो स्टेच्यू ऑफ यूनिटी है कि वहां पे क्या क्या है, तो उसके ऊपर भी वीडियो बहुत जल्द आने वाला है कि वहां पे घूमने लायक क्या क्या है। पोलो फॉरेस्ट को प्रमोट किया गया था, और अहमदाबाद की कुछ अलग अलग इमारतों को जैसे सीधी सैयद की जाली है, झूलता मीनारा है वगैरह को। और दोस्तों काइट फेस्टिवल में काइट्स देखने का जो मज़ा है वो तो अलग ही है, लेकिन उसके साथ हेरिटेज आप देख सकते हैं कि कहाँ हेरिटेज साइट है, कहाँ आप खरीदारी कर सकते हैं साथ में, और साथ में दोस्तों आप खानी पीनी भी कर सकते हैं। सो माई पार्किंग ऐप के द्वारा आपको खाली पार्किंग का भी यहाँ स्लॉट्स बताए गए थे बाहर, जो एक अच्छी चीज़ मुझे लगी। बटरफ्लाई पार्क जो पतंग महोत्सव 2020 तो बहुत ही खूबसूरत नज़ारा होता है। तो अहमदाबाद दोस्तों जब भी आइए, आप ये वीडियो अगर अगले साल देख रहे हैं तो हर साल 25 दिसंबर से 30 जनवरी तक यहाँ पे बहुत सारे फेस्टिवल्स होते हैं, जैसे शॉपिंग फेस्टिवल, काइट फेस्टिवल। यहाँ पे BSF का भी दोस्तों एक स्टॉल लगाया गया था जहाँ इनकी बहादुरी के गाथा वगैरह कही गई थी, और बच्चे फ़ोटो खिंचवा रहे थे हमारे बहादुर सैनिकों के साथ। तो पहले इनको दिल से सैल्यूट, दिल से सलाम, जो ब्रेवरी और जो ये सीमा की रक्षा, हमारे देश की रक्षा करते हैं, इनके लिए इनका बहुत बहुत शुक्रिया। और दोस्तों कहूँगा इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ताकि जो लोग 2020 का इंटरनेशनल काइट फेस्टिवल नहीं जा पाए हैं वो जाके एंजॉय कर पाए यहीं पे, और चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही, उम्मीद करता हूँ ये एपिसोड पसंद आया होगा। ये इल्यूज़न क्रिएट किया गया था रात को कि जहाँ से आप देख रहे थे मूर्ति, तो मूर्ति लगेगी कि आप पीछे से पानी गिर रहा है और सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति है। तो ये कुछ रिवर फ्रंट पे लगता है इंटरनेशनल काइट फेस्टिवल। उम्मीद करता हूँ एपिसोड पसंद आएगा, पसंद आया सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए।